Hello, dear student. I am Ruchu Pathy, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy. Learn today, lead tomorrow. In today's session, we are going to study about ions. It is a most important topic of class 10th chemistry, and the chapter is atoms and molecule. What is ions? कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जब टेंथ में आते हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं जिसमें एन ए पे प्लस लगा हुआ है या मैग्नीशियम एम लिखा हुआ है तो उस पर टू प्लस लगा हुआ है तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि ये क्यों किसी पर प्लस चार्ज आ रहा है किसी पर टू प्लस चार, चार्ज आ रहा है किसी में थ्री प्लस है किसी में नेगेटिव चार्ज भी है तो इस तरीके के बहुत सारे कन्फ्यूज़न दिखते हैं तो पहले तो हम ये जान लें कि वॉट इज आयन्स तो यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम कैसे होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज

हम स्पेशली बात करते हैं कि ये आ कैसे रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब क्या है इसका मतलब सिर्फ एक है कि वो एटम या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है लूज कर रहा है या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यदि हमने किसी को कोई चीज़ दी है या हमने किसी को उधार दिया है तो क्या होता है हम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि जो दे रहा है मतलब वो बड़ा हो गया तो वो बड़ा हो गया मतलब उस पर क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव और जो ले रहा है उधार तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा जा जा जा? उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज तो जो दे रहा है और जो ले रहा है उसी से समझ में आ रहा है कि जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव और जो ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है सेम ऐसे ही इस पे भी है जिस इलेक्ट्रॉन जो एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग यदि वो दिए जा रहे हैं ठीक है ठीके? वो मतलब कि क्या हो रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है इस कंडीशन को देखते हुए हम उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लगाते हैं तो अब यहाँ पे देखिए यह एक डेफिनेशन दी हुई है एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन

किसी पे पॉजिटिव आता है किसी पे नेगेटिव आता है ठीक है अब एक सिंपल से एग्जांपल भी बताया कि उधार दे दिया तो पॉजिटिव आया ले लिया तो नेगेटिव आया अब हम यहां आयंस के बारे में बात करेंगे तो ये कितने टाइप्स के होते हैं और हम उनको किन नाम से पुकारते हैं तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है टाइप्स की यदि हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस नंबर वन इज केटायंस एंड नंबर टू इज एनायन ठीक है क्या होते हैं इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज आइटम क्या पॉजिटिवली जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो लिखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन ठीक है और उस पर क्या साइन रहेगा पॉजिटिव साइन रहेगा जैसे कि अभी सिंपल आपने सोडियम देखा था एन और और उसपे क्या था पॉजिटिव चार्ज था आपने मैग्नीशियम भी देखा तो मैग्नीशियम पे क्या था पॉजिटिव चार्ज था तो ये क्या है कैटायंस हैं दूसरा क्या है एनायंस एनायंस जिनके ऊपर क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है अब नेगेटिव चार्ज जैसे कि हम क्लोरीन ले, ले लेते हैं तो ये क्लोराइड आयन बन गया ठीक है ऑक्सीजन ले लिया तो ये ऑक्साइड आयन बन गया तो जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो एनायंस हैं और जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है हैं अब दूसरी बात आती है कि ये है क्या मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव से ही हम इनको जान पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है बट वो पॉजिटिव चार्ज आए कैसे क्या इसका रीजन है अब हम ये जानेंगे तो कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कैटायन इज फॉर्मड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एटम ठीक है मतलब कि किसी भी एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करता है डोनेट कर देता है ठीक है तो हम उसको क्या बोलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और मोस्टली किस कंडीशन में होता है ये तभी होगा जब कोई भी एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वन टू या थ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इट कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन ठीक है वो अपने इलेक्ट्रॉन को तभी लूज कर पाएगा जब कंडीशन क्या है वन टू या थ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये ध्यान रखिएगा वन टू या थ्री से ज्यादा होंगे तब ऐसे कंडीशन में डोनेट की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी हम जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएंगे ठीक है ना उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फिर तो अब हम क्या करेंगे इसको हम वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं अब यदि हम वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में वन टू या थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो मोस्टली देखा जाए तो मेटल की जो मेटल्स होते हैं वो मेटल यूजुअली उनमें क्या होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वन टू और थ्री होते हैं ठीक है ये दिमाग में रखिएगा कि मोस्टली जो मेटल है दे हैव पॉजिटिव चार्ज Why they have क्योंकि उनके आउटर मोशन में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हीं पे क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज या केट उनको बोलते हैं जैसे सिंपल कुछ है लिथियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नाम लिखे हुए हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं बिकॉज इनके आउटर मोशन में क्या होता है एक दो या तीन होते हैं अब एक एग्जाम्पल भी हम लेकर देख लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सोड सोडियम आयन किसका सोडियम आयन का मतलब एक सोडियम एटम सोडियम को हम एटम के नाम से ऐसे बोलते हैं सोडियम एटम सिंपली है ना अब यहाँ पे क्या दिख रहा है Na+ दिख रहा है ये इतना चीजें चेंज दिख रही है तो ऐसा क्या हुआ तो मैंने पहली चीज क्या बात की आउटर मोस्ट शेल

इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यदि आपने देखा होगा तो इस तरीके से 2 8 18 32 का किस कंडीशन में 2 8 18 18 32 इस तरीके से कंडीशन होती आती है तो मेन आपका जो होता है सीक्वेंस इस टाइप का होता है अब हम यदि बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सोडियम की बात की जा रही है तो सोडियम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आएगी हमें एटॉमिक नंबर पता होना ज़रूरी है यदि हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फोग्रेशन को नहीं कर पाएंगे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट शेल में डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है क्या इलेवन

नेक्स्ट में एट ही इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं देखिए पहले वाले में दिखा हुआ है टू तो देखिए एल की बात करें एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एल में कितने हो गए एट इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे एट हो गया टोटल कितने हो गए टू प्लस एट टेन हो गया बचा कितना वन एम में कितना आ रहा है वन इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है वन इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वन इलेक्ट्रॉन को जब आप देखेंगे टू एट वन तो ये जो वन है लास्ट में देखिए यहाँ पर के एल एम की बात करते हैं तो यहाँ हमें वन इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अभी मैंने बात की कि मेटल मोस्टली जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है ठीके? और ये भी बोला कि कैटायंस उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ठीक है जो, जो कहीं ना कहीं डोनेट भी करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकिन तब जब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक दो या तीन तो यहां पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि एम में कितने इलेक्ट्रॉन है वन एक इलेक्ट्रॉन है तो अब मैंने आपको कंडीशन है टू एट एट्टीन थर्टी टू और हम मोस्टली कोशिश करते हैं टू एट एटलीस्ट एट तो कर ले ऑक्टेट कोशिश होती है हमारी पूरी करने की क्या क्या हम एटलीस्ट इसको एट तो कंप्लीट कर लें बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वन है वन देना बहुत ईजी है क्या करेंगे हम वन को हम दे सकते हैं और हम वन को जब हम दे देंगे तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में बन जाएगा क्या टू और एट हो जाएगा और क्या होता है कि ऐसा क्यों कर रहा है इसका रीज़न क्या है रीज़न ये है कि

ऑक्टेट कंप्लीट होता है, helium, helium होता है ठीक ना? एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम और जितने भी होते है, में, तो वो सारे -सारे जिनका क्या होगा होता है, तो, और वो होते हैं है, तो हर एलिमेंट हर एटम यही चाहता है कि वो खुद को क्या कर ले, कर ले तो अब ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो देखिए क्या बन जाएगा टू और एट टू एट मतलब टेन मतलब ये नियॉन जैसा हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा नियोन के इक्वल हो जाएगा ठीक है और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि सोडियम तब था तो के के एल एम में टू एट वन जैसा मैंने समझाया और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज एक आ गया और यहां क्या हो गया के और एल में देखिए यहां पे टू और स्टेबल नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट यहां पे हो गया ठीक है और हम क्या चाहते हैं कि अनस्टेबल से हमें स्टेबल पोजिशन चाहिए हर इंसान अपनी लाइफ में कहता है ना मुझे स्टेबल होना है स्टेबल होना है मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं उसको और स्टेबिलिटी चाहिए तो यहां पे भी क्या हो रहा है एटम की स्टेबिलिटी हो जाती है तो ये स्टेबल होने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है देता है और जब डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को या लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तब उस पर क्या चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ सिर्फ जब एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो one positive हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा तो टू पॉजिटिव थ्री देगा तो okay, तो तो सोडियम में में को देखा ऐसे आप चाहें तो एक मैग्नीशियम का भी मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैग्नीशियम टू प्लस होता है क्यों होता है बिकॉज मैग्नीशियम की बात करें तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ग्रेशन टू ए टू एल एम कितना हो गया टू आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है टू तो ये क्या करता है ये टू इलेक्ट्रॉन देता है जब टू इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर भी क्या हो जाता है टू और एट एक नियॉन गैस का अरेंजमेंट बना लेता है ये इस कारण से इस पर हमेशा मैग्नीशियम पे क्या होता है टू प्लस चार्ज होता है ठीक है तो जितने इलेक्ट्रॉन आप देंगे उतने उस पर क्या होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे और मैंने आपको क्या बोला यूजली जो मेटल होते हैं उनमें वन टू या थ्री होते हैं आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है सामने नेक्स्ट हम बात करेंगे एनायंस एनायंस क्या होते हैं एनायंस वो होते हैं जो लेते हैं गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं अब ये कंडीशन भी कब आती है ये कंडीशन तब आती है जब आउटर शेल में पांच छह या सात इलेक्ट्रॉन हो जैसे उनके आउटर शेल में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन थे वैसे ही इसमें क्या होंगे फाइव सिक्स या सेवन इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे लेंगे मतलब उधार उधार ले ले रहे रहे हैं हैं है ना या करना है. क्या? अपने करना? और कंप्लीट करके एक इनर्ट गैस जैसा जो अपना रीअरेंजमेंट रियारे है इनर्ट गैस का वैसे ही अरेंजमेंट अपने को क्या होगा करना होगा तो अब हम इसमें भी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जाम्पल में कैसे अब ये चीज तो आ, एक चीज और बतानी थी आपको जैसे आपने मेटल में देखा कि यूजुअली मेटल जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में आपको दिखाई पड़ेंगे वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन और यूजुअली नॉन मेटल जो होंगे उनमें आपको दिखाई पड़ेंगे फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन ध्यान रखिएगा कि इसमें यहां पर लिखा भी हुआ है द नॉन मेटल एटम हैव यूजुअली फाइव सिक्स और सेवन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल ठीक है अब एग्जांपल पे देखिए फ्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्सेट्रा बहुत सारे हैं नॉन मेटल तो मोस्टली देखा जाए तो नॉन मेटल जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में आपको क्या दिखाई पड़ेगा फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेंगे मतलब उनकी टेंडेंसी कैसे होती है लेने की ठीक है ना वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को लेंगे गेन मतलब गेन करने की कैपेसिटी होती है एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है इनकी तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में देखिए लिखा है फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड ठीक है अब एक चीज और ध्यान रखेगा सिंपली हम सीएल को ऐसे क्लोरीन बोलते हैं इट इज क्लोरीन आइटम बट जब इसके ऊपर ये आय लेता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तब इसके ऊपर जब चार्ज आता है तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है इसको क्या बनाता है क्लोराइड आयन ऑक्सीजन ऑक्साइड ठीक है नाइट्रोजन नाइट्राइड ये ध्यान रखिएगा जैसे इनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं तो ये क्या जाता है ऑक्साइड हो जाता है नाइट्राइड हो, हो जाता है क्लोराइड हो जाता है इस तरीके के चेंजेस तो उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं तो अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहां पे क्लोरीन का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है और क्लोरिन का टॉमिक नंबर क्या होता है सेवनटीन होता है 17 तो के एलमेंट शेल में हम चेक करके देखेंगे के हो गया एल हो गया एम हो गया सबसे पहला टेंडेंसी यही था कि हमें टू कंप्लीट करना है हमें टू कर लिया नेक्स्ट में था एट हमने एट भी कर लिया कितने हो गए एटीन हो गया बचा कितना सेवन मैंने क्या बोला कि मोस्टली कब होता है नेगेटिव चार्ज आयन कब आते हैं है, तब जब उनके आउटर मोशन में फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे और इनकी कैपेसिटी कैसी होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की ठीक है एक्सेप्ट करने की गेन करने की तो अब देखिए इनके पास सेवन इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट इजी टू गिव सात इलेक्ट्रॉन देना ईजी नहीं है ठीक है ज्यादा एनर्जी लगेगी बैटर है कि हम वन इलेक्ट्रॉन ले लें और अपने ऑक्टेट को क्या कर ले पूरा कर ले तो यही चीज हम करते हैं तो यहां पे देखिए ये क्लोरीन क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है पहले इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्या था और आर्गन के बराबर इसकी क्या हो जाती है अरेंजमेंट रहती है और ये क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है और अभी तक क्या है अनस्टेबल हर एटम जो आयन क्यों बन रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है खुद को स्टेबल करना ठीक है जस्ट लाइक नोबल गैस इनर्ट गैस जैसा क्या करना स्टेबल करना और ये भी देखिए यहां पे क्लोराइड आयन भी जो हो रहा है उसमें भी क्या कर रहा है खुद को स्टेबल कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज को लेकर तो आपने ये जाना कि किस तरीके से यह है इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से क्या बनाता है क्लोराइड आयन बनाता है जिसमें क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ जाते हैं तो ये था जो मैंने आपको समझाया क्या चीज समझाई कि वट इज आयन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आयन क्या होते हैं किट क्या होते हैं एनायन और हमने उनका एग्जाम्पल भी देखा आई थिंक आपको वीडियो समझ में अच्छे तरीके से आया होगा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसके बाद ही जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगी यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो